हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टैली में जीएसटी के साथ फ्री सैंपल गुड्स, डोनेशन गुड्स या जो गुड्स आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं और जो जो गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिस्पोज हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टैली में जीएसटी की एंट्री के बारे में मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप जीएसटी के फीचर को इनेबल करेंगे। अब जीएसटी के फीचर को इनेबल करने के लिए आप प्रेस करेंगे F11। फिर यहाँ पे जाएंगे आप स्टेटमेंट एंड टैक्सेशन में, प्रेस करेंगे F3 और फिर यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे। फिर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे और यहाँ पे अपनी जीएसटी डिटेल डाल देंगे। मैंने पहले से फिल कर किया है, आप भी यहाँ अपनी डिटेल जो है वो फिल कर लेंगे और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और हम एंट्री करके देखेंगे। हम पहले अब जो गुड्स हैं वो परचेज करेंगे, तो परचेज करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ मैं परचेज करना है तो मैं जाऊँगा परचेज वाउचर में, प्रेस करेंगे F9। अब पहले डेट चेक करूँगा, प्रेस करूँगा F2। हम यहाँ पे अपना जो है पार्टी अकाउंट का लेजर बनाएंगे, प्रेस करेंगे और प्लस C। ये मेरा होगा सैंडी क्रेडिटर में। इसको यस करेंगे, यहाँ पे इसकी जीएसटी डिटेल डाल देंगे। इसका कट कर लेंगे, यहाँ पे परचेज लिस्ट बनाएंगे। ये होगा परचेज अकाउंट में और उसको गुड्स लेके यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपनी जो है वो आइटम बनाएंगे, तो उसके लिए प्रेस करेंगे और प्लस C। मैं मान लीजिए मोबाइल जो है वो परचेज कर रहा हूँ, यहाँ उसको यस करेंगे और यहाँ पे इसकी जो है डिटेल, जो जीएसटी डिटेल है वो डाल देंगे। लेंगे ऑन वैल्यू और यहाँ पे टैक्सेबल, और जो मैं यहाँ पे अपना जो टैक्स फिक्स कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 18%। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्वांटिटी मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, आज पे हम अपना CGST और RGST भी लगाएंगे, तो उसके लिए लेजर बनाएंगे। ये मेरा होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST, ये होगा स्टेट टैक्स। फिर बनेंगे CGST के लिए, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST और ये होगा सेंट्रल टैक्स। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब हमारे स्टॉक में जो है 15 मोबाइल आ चुके हैं। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ITC जो है वो अवेलेबल नहीं होता। उसमें से कुछ एग्जांपल हैं, जब आपके गुड्स जो हैं वो चोरी हो जाते हैं या फिर आपके जो गुड्स हैं वो किसी भी रीज़न की वजह से लॉस्ट हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो गए या फिर आपने वो गुड्स जो है वो राइट ऑफ कर दिया या फिर आपके गुड्स जो है वो डिस्पोज हो गए बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। तो ये जो सारे ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपको ITC अवेलेबल नहीं होता। हम यहाँ पे एंट्री करके देखेंगे फ्री सैंपल्स की। तो वापिस जाएंगे टैली में, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम एंट्री करेंगे वो करेंगे हम जनरल में, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F7 और यहाँ पे मैं जो है मैं लेजर बनाऊंगा फ्री सैंपल के लिए, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस C।
ये मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहां पे जीएसटी जो है मैं यहां पर करूंगा नॉट एप्लीकेबल, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहां पर जो मेरा जो मोबाइल था उसकी जो एक मोबाइल की वैल्यू थी वो थी 15,000। यहां क्रेडिट में मैं ले लूंगा परचेस, और नेम आइटम में मैं जो मोबाइल फ्री सैंपल कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो फ्री सैंपल में, वो ले लूंगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गई मेरी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने जो मोबाइल परचेस करते टाइम जो इनपुट टेस्ट पीरियड लिया था वो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको वो उस ITC के लिए एक रिवर्सल एंट्री करनी होगी। तो वो रिवर्सल एंट्री करने के लिए आप जनरल वाउचर में ही प्रेस करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट पे, यहाँ ले लेंगे GST, यहाँ नेचर एडजस्टमेंट में ले लेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टेस्ट क्रेडिट, और एडिशनल डिटेल में नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, उसके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप एक लेजर बनाएंगे टैक्सेस ऑन एक्सपेंसेस के लिए, ये आपका होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और उसको यहां पर ले लूंगा नॉट एप्लीकेबल, उसका एक्सेप्ट कर लूंगा। दोस्तों हमने जो जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए थे मोबाइल उसकी जो वैल्यू थी वो थी 15,000, तो उसमें जो मेरा किसी बनता है 18% के अकॉर्डिंग वो बनता है 2700, तो हमें अपने जो ITC को 2700 से कम करना होगा, तो यहां ले लूंगा 2700, या क्रेडिट में ले लूंगा मैं SGST, ये मेरा होगा 1350, और यहां ले लूंगा CGST, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप जब जब GST आर रिपोर्ट में जाएंगे तो आप यहां देखेंगे आपको यहां ITC रिवर्सल में आपने जो रिवर्स किया है ITC वो यहां शो करेगा। अब मैं आपको एक एंट्री और करके दिखाता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप अपने जो ऑफिस से अपनी कंपनी से कोई कुछ अपने जो परचेज किए थे वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की थी सेम वैसे ही इसकी एंट्री भी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनरल वाउचर में हम पहले ही अपना एक लेजर बना लेंगे ड्राइंग का, ये मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यहां पर मैं ले लूंगा नॉट एप्लीकेबल, और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यहां मान लीजिए मैंने मोबाइल परचेज किए थे वही विड्रॉ कर रहा हूं, उसकी वैल्यू थी 15,000, मैं लूंगा परचेज, तो एक्सेप्ट कर लूंगा, फर्स्ट की एंट्री भी सेम मेरे जैसे सैंपल मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए थे वैसे ही हो जाएगी। अब इसकी भी आपको रिवर्सल एंट्री करनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट में जाएंगे, प्रेस करेंगे GST पे जाएंगे, यहाँ ले लेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टेस्ट क्रेडिट, यहाँ नॉट एप्लीकेबल लेके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ ले लेंगे आप टैक्स ऑन एक्सपेंस, और आपका जो ITC अवेलेबल जो था उस पर आपको जो रिवर्स करना है वो करना है 2700, यहाँ लिंक CGST, और जो आपका GST बनेगा वो बनेगा 1350, यहाँ होगा SGST, और ये भी होगा 1350, और उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक फ्री सैंपल की और एक ड्राइंग की एंट्री करके दिखाई कि हम इसको टैली में कैसे पोस्ट करते हैं, और इसके लिए ITC की रिवर्सल एंट्री कैसे करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप कोई गुड्स डोनेशन में दे देते हैं, या फिर आपको कोई गुड्स लॉस हो गए किसी भी फायर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो उसकी एंट्री भी सेम ऐसे ही होगी।
तो दोस्तों ये था तरीका फ्री सैंपल गुड्स, ड्राइंग, चैरिटी, डोनेशन एक्सेट्रा की एंट्री टैली में जीएसटी के साथ करने का। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।